हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं पहुंच गया हूं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1। टाइम करीबन 8:30 बजा है, शाम का टाइम है और ये सीज़न सर्दियों का सीज़न है। हल्का सा ठंडी हवा भी बह रहा है और अभी मैं बाहर जा रहा हूं। स्टेशन से बाहर चलेंगे, यहाँ चांदनी चौक का मार्केट है, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके साथ घूमना है। फिर मैं दिल्ली में एक दिन रुकने वाला हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ उसका वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँगा। और कल का प्लानिंग है जाने के लिए अमृत उद्यान, जो कि कल खुलने वाला है, उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा। और ये रेलवे स्टेशन का बाहर, यहाँ आपको ऑटो टैक्सी सब मिल जाएंगे। वहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए चांदनी चौक मार्केट पे। रात का 9 बजने का टाइम है, काफ़ी सारी दुकानें बंद हो रहे हैं। यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। शादी जोड़ा के लिए बहुत सारे वैरायटीज़ के आइटम्स यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ आपको बार्गेन करना आना चाहिए, तब जाके आप अच्छे प्राइस में चीज़ों को ख़रीद पाओगे। घूमने आओ और पेट पूजा ना करो, ये हो ही नहीं सकता। अभी आ गए हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, थोड़ा इवनिंग का स्नैक्स ट्राई करते हैं दिल्ली पर। ये बहुत ही अच्छा लगा, एक नंबर का लाजवाब का स्वाद था। और आगे जाते ही आपको ये यहाँ का फेमस जलेबी के साथ द्राबड़ी मिल जाएगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जलेबी के साथ द्राबड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये आपको गुरुद्वारा के बिल्कुल अपोजिट जहाँ पे शॉप है वहाँ मिल जाएगा। खा के थोड़ा यूनिक लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर जैसे आप बोल रहा था कि सर्दियों का टाइम है, ठंडी हवा चल रहा है, बहुत ठंड लग रहा था, तो उसी के पास में ही चाय बन रहा था, स्पेशल चाय आज चांदनी चौक। चाय के चुस्के के साथ बातें करते हैं और हम लोग यहाँ चाय का ऑर्डर दे दिए हैं, ये हमारे लिए स्पेशल चाय बनाएगा अभी। चलिए चाय पीते हैं, कुछ टाइम यहाँ बिताते हैं, फिर गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे और गुरुद्वारा में माथा टेक के अपने घर के लिए निकलेंगे। चलिए यहाँ पे चाय बनाने का प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि चाय में अदरक डालने से चाय का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और कड़क भी अच्छा रहता है और अपना गले भी साफ हो जाता है। बहुत ही कड़क से चाय को बनाया जा रहा है, गर्मा गर्म चाय, और सर्दियों के ठंडी हवा में गर्म गर्म चाय पीने का एहसास ही कुछ और है। ये शाम के टाइम बहुत ही भीड़ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। शॉपिंग के इतने वैरायटी यहाँ पे है और इतने सारे शॉप्स हैं कि लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा पे माथे टेकने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। और बहुत बैंक भी है, तो लोग अपने काम के लिए यहाँ पर बहुत आते हैं, तो इसलिए जगह बहुत ही भीड़ रहता है। कभी भी आएंगे तो आप यहाँ खालीपन महसूस नहीं करेंगे, आपको भीड़ देख के बहुत अच्छा लगेगा। देख पा रहे होंगे चाय को कितनी बार उबाला जा रहा है, चाय के अंदर पत्ती को अच्छे से मिक्स होने के लिए ये गर्म आंच में चाय को बहुत ही बार उबाला जा रहा है। इससे चाय की अलग ही टेस्ट आता है, पीने के बाद ही पता चलेगा।
इतना टाइम वेट करने के बाद हमारा चाय बन गया है। अभी हम लोग चाय ट्राई करेंगे और चाय तो लाजवाब का था। फिर चाय का मज़े लिए हम लोगों ने और उसके बाद हम चले गए देखने गुरुद्वारा, जहाँ पे आपके लगेज वगैरह बाहर रखना पड़ता है। यहाँ पे सब कुछ फ्री सर्विसेज हैं, आपको अपने जूते अपने लगेज रखने के लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर लैपटॉप है तो अंदर लेके जा सकते हैं, ये आपको बोलना पड़ जाता है। फिर गुरुद्वारा पे माथा टेक के हम लोग निकल गए मेट्रो की तरफ, जहाँ मेट्रो पकड़ना था। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं और ट्रैफिक में फंस गए तो फिर आप वहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपना टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जाने में बहुत देरी हो जाएगी। यहाँ मेट्रो दिल्ली पर बहुत ही वाइड और एक्सटेंसिव नेटवर्क पे फैला हुआ है। शहर के किसी भी जगह जाने के लिए आपको मेट्रो मिल जाता है। अभी हम आ गए हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पकड़ के चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने घर चल रहे हैं। और ये इसी के साथ मेट्रो आ गया है और मेट्रो का एंट्रेंस देख सकते हैं, बहुत सेफ है ये। जैसे कि टाइम कुछ 11 बजने के करीब हो रहा है, इसलिए इतना भीड़ नहीं है मेट्रो में। और यहाँ का मेट्रो का खासियत ये है कि आपको देर रात तक मेट्रो मिल जाता है कौन से भी स्टेशन से कहीं जाने के लिए। और पहुंच गए इसी के साथ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन। और यहीं पर ही आजतपुर सब्जी मंडी है, जो कि एशिया में लार्जेस्ट है। चलते हैं घर पे, डिनर करके रेस्ट करते हैं। कल जाना है अमृत उद्यान पे, उसका वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।